चतुर गोपाल, उनसे मिले चलो यार, देखो बड़े हंसो यार, गोपाल चतुर गोपाल। बोलो, जल्दी बोलो। मुर्शिदाबाद के नवाब आपके राज्य में एक गुप्तचर भेज रहे हैं। सच में? हाँ महाराज, वो बहुत जल्द ही आ जाएगा। और एक और बात आपको बतानी है महाराज। अब क्या है? वो मैं आपके कान में बताता हूँ महाराज। तो फिर फुंडी, इस बार पूजा में कितने कपड़े मिले हैं, है? बताओ तो। 5 मिले, मेरे भी 5। मुझे 6 मिले। मुझे 4 मिले हैं। अच्छा जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इस बार तो तुम लोगों की पूजा में मजे हैं। इस बार दुर्गा माँ की मूर्ति कितनी बड़ी होगी गोपाल दादाजी? महाराज कह रहे थे कि इस बार वो सदर से बहुत बड़ी मूर्ति लेकर आएंगे। इस बार पूजा में तुम लोग खूब खुशियाँ मना लो। सुनो एजी, आप एक बार इधर आओ तो। बोलो, क्यों बुलाया तुमने? दुर्गा पूजा आने वाली है, सब लोग कितनी खुशियाँ मना रहे हैं, पर मेरा मन तो बहुत दुखी है। ये क्या बात हुई? क्यों 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 क्यों? तुम्हें किस बात की चिंता है भगवान? अभी तो मैंने तुम्हें 3 साड़ियाँ लेकर दी हैं। साड़ियों से क्या खुशियाँ मिलती है? औरत की खुशी तो पति के प्यार में होती है। अरे बाप रे, ये बताओ मैंने तुमसे कब नफरत की है भगवान? नहीं की है तो फिर तालाब के किनारे भोला मिठाई वाले की बीवी ने मुझे बताया कि तुम मुझे प्यार नहीं करते, इसलिए तुम मुझे सारी बातें नहीं बताते। ये देखो भगवान, मेरे गर्दन पे कितने सिरे बताओ हैं? जो मैं तुम्हें सारी बातें नहीं बताऊंगा, मुझे जो कुछ भी पता होता है मैं सब कुछ तुम्हें बता देता हूँ। तो फिर बताओ तो बताओ, महाराज कृष्णचंद्र के संदूक की चाबी कहाँ रहती है? ये कैसा सवाल है भगवान? आप तो महाराज के करीबी आदमी हो, आपको जरूर पता होगा। आप अगर सच में मुझे प्यार करते हो तो फिर मुझे जरूर बताओगे। विश्वास करो भगवान, मुझे सच में नहीं पता है कि महाराज के संदूक की चाबियाँ ठीक कहाँ रहती हैं। सच बोल रहे हो? सच में आपको नहीं पता? अरे थोड़ा अच्छे से सोच के देखो ना। अरे धत, उल्टा सुल्टा बोलने का वक्त में नहीं मिला क्या है? जाओ 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 जाओ। ठीक है, तो फिर और क्या कर सकते हैं? मैं चलती हूँ। दुर्गा पूजा आने वाली है और इस वक्त भगवान के दिमाग में पता नहीं कौन सा भूत चढ़ गया है। चलो 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 बच्चों, बहुत देर हो गई है, अब तुम लोग घर जाकर स्नान करो, खाना खाओ और आराम कर लो। मेरे पेट में भी चूहे दौड़ने लग गए हैं। कहाँ हो भगवान? जरा गमछा लाओ तो, मैं नहा कर आता हूँ। भगवान, ओ भगवान, कहाँ चली गई? अभी तो घर के अंदर आई थी। भगवान कहाँ हो, कहाँ चली गई? भारी दोपहर को इतना क्यों चिल्ला रहे हो? तुम बाहर के अंदर कैसे आ गई? तुम तो घर में ही थी ना। हे भगवान, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? घर में बैठे रहने से क्या मेरा काम होगा? ये इतने सारे कपड़े धोके अभी तो तालाब किनारे से लौटी हूँ मैं। हाँ, ये जो अभी लौटी हो तो फिर दहलीज पर खड़े होके जो मुझसे बातें कर रही थी, आखिर वो कौन थी? मंत्री महाशय, कहीं आपके पीछे आग तो नहीं लग गई है? बताइए। आग कहाँ कहाँ है गोपाल? नहीं, मतलब वैसे तो चलने फिरने में आपका 18 महीने में 1 साल होता है, पर आज देख रहा हूँ पैर में नाल लगाकर दौड़ते हुए आप चले जा रहे हैं, इसलिए आपसे पूछ लिया। अपनी मर्जी से थोड़ी दौड़ रहा हूँ, महाराज ने जरूरी काम से बुलाया है। तुम्हारे साथ फालतू सी बातें करके समय गंवाने का वक्त मेरे पास नहीं है, चलता हूँ। अरे अजीब बात है, अरे दोपहर में मंत्री को बुलाया है, जाने दो, उन्हें ही सभा में जाने दो, मैं तालाब की ओर चलता हूँ। हाँ। एक बार तो देख लिया है, दूसरी बार देखने में हर्ज क्या है? बोलो हर्ज क्या है? ये
ये क्या, अभी तो थोड़ी देर पहले मंत्री महाशय राज्यसभा की ओर चले जा रहे थे, तो फिर अभी उधर से कैसे चले आ रहे हैं? ये क्या गलत देख रहा हूँ मैं? ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं, ये तो मंत्री जी है। क्या हुआ गोपाल, भरी दोपहर में ऐसे बेवकूफों की तरह यहाँ क्या कर रहे हो? इससे पहले आप बताइए तो मंत्री महाशय, ये अभी तो थोड़ी देर पहले ही आप राजमहल की ओर चले जा रहे थे महाराज के पास जरूरी काम के लिए, तो फिर से आप उधर से कैसे चले आ रहे हैं? अच्छा अब समझा, महाराज ने मूर्ति बनवाने की जिम्मेदारी मुझे क्यों सौंपी है और तुम्हें क्यों नहीं? मतलब तुम पागल वागल हो गए हो, ज्यादा खा के ना तुम्हारा पेट ढोल की तरह बढ़ गया है और सर में इतनी भी बुद्धि नहीं है। सुनो गोपाल, मैं गया था सदर माँ दुर्गा की मूर्ति बनवाने की अग्रिम राशि देने के लिए, पर मैंने तो थोड़ी देर पहले ही मंत्री महाशय को, तो क्या सच में मेरा दिमाग खराब हो गया है? पहली बार मेरी पत्नी, उसके बाद मंत्री महाशय, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं एक ही शख्स को दो बार क्यों देख रहा हूँ? नहीं गोपाल नहीं, भगवान के आने से पहले ही दूसरा कोई आदमी इस राज्य को नुकसान पहुँचाना चाह रहा है। नुकसान? थोड़ा साफ साफ बताइए ना महाराज। नवाब ने एक गुप्तचर को भेजा है इस राज्य में, वो एक शातिर आदमी है। ये क्या, नवाब ने उसको क्यों भेजा है महाराज? लगता है मेरे संदूक से इस राज्य के वसीयत नामे को चुराना चाहता है। तो तुम समझ रहे हो ना गोपाल, वसीयत चोरी हो गई तो कैसे कैसे सत्यानाश हो जाएगा? हाँ बिल्कुल समझ रहा हूँ महाराज। सिर्फ यही नहीं गोपाल, सुना है ये गुप्तचर कभी भी किसी का भी रूप धारण करके लोगों को बेवकूफ बना देता है। बहरूपिया? अरे क्या सोच रहे हो गोपाल? नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि इस राज्य में कोई नई बीमारी आ गई है क्या? महाराज महाराज, रानी माँ ने आपको इसी वक्त अपने पास बुलाया है, कह रही है बहुत जरूरी बात है। अच्छा अच्छा, चलो चलो तुम लोग बैठो, मैं अभी आता हूँ। मंत्री महाशय, बैठे बैठे टूट रहा है बदन, महाराज कब से गए हैं, अभी तक लौटे नहीं हैं। चुप करो, महाराज महारानी के पास गए हैं। नहीं नहीं, मतलब जरूरी बात है बताया था, पर इतना वक्त बीत चुका है अभी तक तो आए नहीं। हाँ, कोई संदेशा भी नहीं भेजा है, सब कुछ ऐसा घोटाला सा लग रहा है। देखिए महारानी आ गई है। हाँ मंत्री, मैं महाराज से पता करने आई हूँ कि माता की मूर्ति बनवाई है कि नहीं, तो अभी वो कहाँ है बताओगे? उई माँ, कुछ देर पहले दासी को भेज के आपने ही तो उन्हें बुलवाया था, वो तो आपके पास ही गए हैं। ये क्या कह रहे हो, वो तो हमारे पास आए ही नहीं। पर महाराज तो बहुत पहले ही चले गए थे। तो फिर कहाँ चले गए हैं? क्या होगा? महारानी जी आप चिंता मत कीजिए, आप अंदर महल में जाइए, मैं देखता हूँ, सब लोग मिलकर महाराज को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो सही नहीं लग रहा है, मैं पहले जाकर संदूक संभालता हूँ। अब तुम उधर कहाँ जा रहे हो? अब वो संदूक पे निगरानी रखनी पड़ेगी मंत्री महाशय। सर दर्द हो रहा है और तुम पेट दर्द की दवा ढूंढ रहे हो, राजा को बिना ढूंढे तुम संदूक के पास जा रहे हो? वही तो ज्यादा जरूरी है मंत्री महाशय। ये क्या, तुम लोगों ने इतना शोर क्यों मचा रखा है? महाराज आप लौट आए, ओह अब जान में जान आई। हमने सोचा था आप खो गए हैं महाराज। हाँ महाराज, इसीलिए हम लोग थोड़ा चिंतित हो गए थे। अरे मैं तो बगीचे में रानी को ढूंढ रहा था पर वो मिली ही नहीं, इसीलिए मैं लौट आया। अच्छा गोपाल, तुम संदूक के बारे में कुछ कह रहे थे ऐसा सुना मैंने। हाँ मतलब मैं ये कह रहा था महाराज कि मेरे घर के संदूक के ऊपर बहुत सारी धूल जम गई है, इसलिए पूजा से पहले सफाई कर लेनी चाहिए, शाम हो गई है ना, तो फिर अब मैं चलता हूँ महाराज। है अच्छा अच्छा, जाओ जाओ। देख रहा हूँ महाराज को भी वही बीमारी लग गई है, मामला बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है, मामले की थोड़ी छानबीन करनी पड़ेगी।
एक जादू होगा। तुम सब झाड़ियों के पीछे छुप जाओ तो ही वो जादू देख पाओगे। हैं? कैसा जादू गोपाल दादाजी? अरे सब्र का फल मीठा होता है, थोड़ा सा सब्र करो, खुद अपनी आँखों से देख लेना है। तुम लोग यहीं पर रुको बच्चों, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। अब महाराज तुम अभी यहाँ पे इतनी रात को क्या कर रहे हो गोपाल? क्या चाहिए? नहीं नहीं, मतलब अचानक से मेरी सासू माँ बीमार हो गई है, इसलिए मतलब मैं चाह रहा था कि अगर आप मेरी कुछ मदद कर दें तो जरा। इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे महाराज, जो भी करना होगा वो मैं ही करूँगा। जाके करो, जाओ, यहाँ पे क्यों आए हो? नहीं 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 महाराज, बात ये है कि फिर मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए। अनुमति तो दे ही दिया है, जाओ जहाँ जाना चाहते हो, जल्दी जाओ। जाऊँगा महाराज, पर जाने से पहले वो संदूक के बारे में आप रहने दीजिए, वो मैं बाद में ही आपको बताऊंगा महाराज। संदूक के बारे में क्या बताना है? रहने दीजिए महाराज, वो मैं बाद में बताऊंगा तो भी चलेगा। ए, मैं आदेश दे रहा हूँ, अभी के अभी बोलो गोपाल, बोलो। इतना उत्तेजित मत होइए महाराज, इतना उत्तेजित मत होइए, बता रहा हूँ। असल में वो संदूक की चाबी आपने मुझे रखने के लिए दी थी ना, मैंने वो चाबी महाराज। वो क्या, बताओ कहाँ है, बताओ कहाँ है चाबी? उसको मैंने आम के पेड़ के नीचे मिट्टी में गाड़ के छुपा रखा है महाराज। जो नहीं जानते हैं वो कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे महाराज। कमबख्त, इतनी कीमती चीज को कोई ऐसे रखता है भला? ठीक है, जो होना था वो हो गया, तुम अभी यहाँ से निकल जाओ जल्दी। जी जरूर महाराज। आप देखो कि अब कैसा खेल शुरू होता है बच्चों। कुछ ही देर में मेरे हाथ में संदूक की चाबी होगी, उसके बाद दस्तावेज लेकर सही जगह पर पहुंचा दूंगा, तो नगद में 500 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में मिलेंगे और राजा कृष्णचंद्र रास्ते में बैठकर पकोड़े तलेंगे। अब मैं खोदना शुरू करता हूँ। गई? अरे ये चाबी कहाँ गई? नहीं, यहाँ पे भी नहीं मिली चाबी। नहीं, ये चाबी मुझे हासिल करनी ही होगी। ओह, कहाँ ढूंढूं? चलो चलो, अब बेटे को रंगे हाथों पकड़ते हैं बच्चों। अरे बाप रे, मार डाला रे! अरे बाप रे! अरे क्या बात है, तुमने मुझे प्रहरी से क्यों बुलवाया? ये क्या गोपाल, तुमने महाराज को इस तरह बांध क्यों रखा है? अरे बाप रे, पितरों, गोपाल ने विद्रोह किया है, आजकल चोरी और विद्रोह फैला हुआ है। अरे बाप रे, ये तुमने क्या किया गोपाल? अरे मेरा क्या होगा, अब तो गोपाल राजा बन गया। सिपाहियों जल्दी आओ, विद्रोह हो गया है, युद्ध करना होगा। विद्रोह। तुम सब चुप हो जाओ, अब ये देखो ये कौन है? हे भगवान, ये तो नकली है। अरे बाप रे, ये मैं नहीं सह सकता। अब बोलो बेटा, हम लोगों के महाराज को कहाँ छुपा कर रखा है, बताओ। नहीं, मतलब मेरा मतलब है नहीं। अभी दिखाता हूँ। ए देपला, खुंती, गुलटे, टेपा, पकड़ो तो इसे, पकड़ो, इसको उल्टा लटका दीजिए। बताता हूँ, वो बगीचे के अंदर महाराज को बांध के रखा है। ये क्या, सेनापति जाओ अभी महाराज को बगीचे से लेकर आओ। अब समझ में आया ना असली बात क्या थी? वो तो मैं पहले ही समझ गया था कि कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है। वो तो समझोगे ही आप। आप तो बुद्धिमान आदमी है ना, पर आपकी बुद्धि चोर भाग जाने के बाद ही आती है, बस यही बात है और कुछ नहीं। अरे बाप रे, चैन की सांस ले रहा हूँ। बाप रे, हाथ पैर सब दुखने लग गए हैं।
गोपाल, अरे ओ गोपाल। यह रहा महाराज, अब कोई चिंता की बात नहीं। आपको जिसने बांध कर रखा था वो बहरूपिया चोर अब हमारे जाल में पूरी तरह से फंस गया है। हैं? आज तुझे मैं गरम तेल में तलूंगा। हैं? मुझे छोड़ दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। छोड़ दीजिए महाराज, छोड़ दीजिए। नवाब ने ही तुझे मेरे दस्तावेज चुराने भेजे थे ना? नहीं नहीं महाराज, नवाब नहीं, इनाम का लालच देकर वजीर महाशय ने मुझे यहाँ पर भेजा था महाराज। तुमको तो इनाम दूंगा ही सेनापति, अभी अभी के अभी इस बेईमान का सर मुंडवा के गोबर लगा के गधे के पीठ पर चढ़ा के इस राज्य से निकाल दो, अभी के अभी निकालो। सच में गोपाल, फिर से एक बार तुम्हारी वजह से मुझे और मेरे राज्य की रक्षा हुई। पर गोपाल, तुमको कैसे पता चला कि वो गुप्तचर मेरा रूप धारण करके सबको बेवकूफ बना रहा था? खुजली महाराज, खुजली। कहावत है ना, मर के भी इंसान की आदत नहीं जाती। वो बहरूपिया अगर मेरी बीवी भी बन जाए या मंत्री महाशय भी बन जाए, उसकी कान खुजाने की आदत नहीं जाएगी। आपका रूप धारण करके आपके सिंहासन पे बैठ के उसको कान में खुजली करता देख मुझे सारी बातें साफ साफ नजर आने लग गई थी। बहुत बढ़िया गोपाल, सच में तुम्हारा कोई जवाब नहीं। ए मंत्री, आज से गोपाल के हर महीने के तनख्वाह में 50 रुपए बढ़ा दो। महाराज, एक बात बताना चाहता हूँ, उस बहरूपिये को पकड़ने में इन बच्चों ने भी मेरी बहुत मदद की है। ऐसा है क्या? ओ मंत्री, इन लोगों के लिए भी बहुत सारे खिलौने और मिठाई की व्यवस्था करो। जय हो गोपाल दादा जी की, जय हो, जय हो।